नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री का गुरुद्वारे में न जाना भारी पड़ रहा है। भाजपा की ग्रामीण पैदल यात्रा का रतिया गांव में भारी विरोध हुआ। वहीं ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाकर भिंडरांवाले की फोटो रखकर जताया रोष। भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण पद यात्रा आज रतिया के कई गाँव में सिख समाज के लोगों ने उसका जबरदस्त विरोध किया। समाज के लोगों व महिलाओं ने यहाँ पर यात्रा के मार्ग में भिंडरांवाले की फोटो रख करके अमर रहे के नारे लगाए। वहीं कई गांव में यात्रा में गुजर रहे भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति रोष जताया। हालांकि पैदल यात्रा का शुभारंभ भाजपा नेत्री व प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल ने गाँव कमाना में किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार बड़ा गाँव में यात्रा के विरोध की सूचना मिलने पर महिला नेत्री कमाना गांव से वापस चली गई। विरोध की सूचना मिलने पर पुलिस की यात्रा मार्ग यात्रा के साथ साथ रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा नेताओं द्वारा आज कमाना में भवनपुर गांव तक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया था और यात्रा को भाजपा नेत्री सुनीता दुग्गल कमाना गांव से रवाना कर रही थी। वही जानकारी के अनुसार जैसे ही यात्रा अगले पड़ाव के तहत गाँव बाड़ा में पहुंची, वहां पर गुरुद्वारे के सामने दर्जनों लोगों ने भिंडरांवाला की फोटो रख करके गुजर रहे भाजपा नेताओं का विरोध जताया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के गांव डांचन में गुरुद्वारे में भिंडरांवाला की फोटो होने पर जाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण प्रदेश के सभी सिख समुदाय के में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भाजपा नेताओं के प्रति विरोध की लहर चल पड़ी। इसी के चलते गाँव बाड़ा के पास में पहुंचने के बाद भाजपा नेताओं की यह यात्रा बादलपुर पहुंची तो वहां पर दर्जनों सिख समुदाय के लोगों ने यात्रा को काले झंडे दिखाए और यात्रा पर जबरदस्त विरोध किया। बादलगढ़ के बाद भवनपुर में भी महिलाओं ने काले झंडे दिखा करके अपना रोष जाहिर किया। यात्रा के विरोध करने की सूचना मिलने पर महमडा चौकी इंचार्ज शीशपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए। वहीं इस बारे में पद यात्रा शुभारंभ करने वाली सुनीता दुग्गल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह किसी कार्यवश कमाना गांव से सिरसा चली गई थी। उन्हें यात्रा के विरोध की कोई सूचना नहीं है, जबकि जिला उप प्रधान रमेश सिंगला ने बताया कि आज की पद यात्रा जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के गुरुद्वारे में न जाने के कारण ये विरोध जगह जगह हो रहे हैं, जिसके निकटवर्ती परिणाम भी सामने आने लगे हैं। शायद आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं पल पल। रतिया से राजेंद्र मित्तल की एक खास रिपोर्ट।